अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनस किचन उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल और डिलीशियस रेसिपी आज हम चपली कबाब बनाएंगे बहुत ही कम वक्त में और ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें वीडियो को आप लोग एंड तक देखें वीडियो को लाइक करना ना भूलिए तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं यहाँ पर मैं हाफ के जी कीमा ले रही हूँ थ्री चॉप्ड ऑनियन में ले रही हूँ और साथ में हम थ्री टोमेटोज़ ऐड करेंगे वो भी चॉप्ड तो ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स है अभी हम इसे ऐड करेंगे और बहुत ही बेहतरीन चपली कबाब बनाएंगे पिशावरी चपली कबाब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम एक ओपन डिश में ऐड करेंगे कीमा हाफ के जी कीमा मैं ऐड कर रही हूँ और साथ में थ्री चॉप्ड ऑनियन मैं ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर थ्री टोमेटोज़ ऐड कर रहे हैं चॉप टोमेटोज़ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और यहाँ पर हम ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे ये आप लोग अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर अभी हम ऐड करेंगे सेवन टेबल स्पून कबाब मसाला और यहाँ पर अभी मैं ऐड कर रही हूँ नमक हसबाई का नमक हम यहाँ पर ऐड करेंगे आप लोग अपने हिसाब के मुताबिक ऐड कर सकते हैं अभी मैं यहाँ पर ऐड करूँगी बेसन फाइव टेबल स्पून बेसन मैं ऐड कर रही हूँ और फाइव टेबल स्पून हम यहाँ पर ऐड करेंगे गंदम का आटा ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स थे हम ऐड कर चुके हैं और अभी हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ये सिंपल कबाब रेसिपी है चपली कबाब हम पिशावरी स्टाइल में बना रहे हैं ये बहुत ही सिंपल और डिलीशियस रेसिपी है सिंपल इन्ग्रीडियंट्स मैं यहाँ पर ऐड कर चुकी हूँ आप लोगों ने देख ही लिए होंगे तमाम इन्ग्रीडियंट्स उम्मीद है आप लोगों के घर में भी अवेलेबल होंगे तो आप लोग भी ये कबाब इसी तरीके से बनाएं तो आप लोग के जो कबाब है वो बहुत ही डिलीशियस बनेंगे तो अभी हम इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं आप लोग इसे एक दूसरे ओपन बड़े डिश में भी इसे आप लोग मिक्स कर सकते हैं और इसे फाइव मिनट तक आप लोग ऐसे ही मिक्स करते जाए तभी आप लोग के कबाब बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशियस बनेंगे तो यहाँ पर हमारा जो कीमा है वो बिल्कुल रेडी है और अभी हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और सिंपल मैं अपने आसानी के लिए यहाँ पर कबाब बना रही हूँ प्लेट में और इसके बाद फिर हम इन तमाम कबाब को फ्राई करेंगे ये सिंपल रेसिपी है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही जल्दी जल्दी हमारे कबाब बन रहे थे और हमारे जो कबाब थे वो बहुत ही जूसी और बहुत ही सॉफ्ट बने थे पिशावरी स्टाइल में हमने ये कबाब बनाए हैं तो उम्मीद है आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और इन स्टेप्स को आप लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पर अभी मैं अपने अपने लिए कबाब बना रही थी ताकि जल्दी जल्दी फिर हम इसे फ़्राई कर सकें तो हाथों को पहले हम ग्रीस करेंगे और कीमा पे हम लेंगे और इससे हम कबाब बनाएंगे अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और यहाँ पर ये सिंपल हमारे जो कबाब है वो बिल्कुल रेडी है और अभी हम इसे फ्राई करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो कबाब है वो बिल्कुल रेडी है अभी हम इसे सिर्फ फ्राई करेंगे आप लोग इसे तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं और पैन में भी आप लोग इसे फ्राई कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने पैन में ऑयल लिया है ऑयल को हम गर्म करेंगे और फ्लेम को अभी हम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो यहाँ पर मैं कबाब ऐड कर रही हूँ और सिंपल इन कबाब को हम ऐड कर रहे हैं ऑयल में इसे फ्राई करेंगे और फिर हम इसे निकालेंगे इसे डिश आउट करेंगे प्लेट में और फिर हम इसे एंजॉय करेंगे तो ये सिंपल रेसिपी है उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी सिंपल इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो उम्मीद है आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे सिंपल इंग्रेडिएंट्स है तो और हर घर में अवेलेबल होंगे तो आप लोग इन स्टेप्स को ज़रूर ट्राई करें फॉलो करें इस रेसिपी को वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग बड़े साइज़ के कबाब बनाना चाहते हैं तो भी आप लोग इसी कीमे कोई इसी मिक्सचर को ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर मीडियम बना रही हूँ और यहाँ पर हमारे जो कबाब है वो बिल्कुल रेडी है अभी हम इसे प्लेट में निकालेंगे इसे हम डिश आउट करेंगे और बहुत ही नरम और बहुत ही जूसी कबाब हमारे बने हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसे लगी और आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे या नहीं तो यहाँ पर अभी हम इन तमाम कबाब को डिश आउट करेंगे यहाँ पर हमारे जो कबाब है वो बिल्कुल रेडी है पिशावरी चपली कबाब बिल्कुल रेडी है तो यहाँ पर अभी हम इसे प्लेट में निकाल चुके हैं आप लोग देख सकते हैं कलर से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट हमारे कबाब बने हैं तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसे लगी तो आखिर में अपना ख्याल रखें अपने से ज़्यादा दूसरों का वीडियो को ज़रूर लाइक करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफि